नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन प्राइम न्यूज और मैं आपके साथ विजय यादव। तो चलते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। बांदा में नारायणी विधायक और स्थानीय थाना पुलिस की मिलीभगत से परेशान प्रताड़ित होकर किसान पीड़ित परिवार ने आज आईजी चित्रकूट धाम पर क्षेत्र बांदा के सत्यनारायण के कार्यालय पहुँच कर न्याय की गुहार लगाई है। पीड़ित परिवार ने बताया है कि बीजेपी पार्टी के नारायणी विधायक राजकरण कबीर हमारी जमीन और मकान में कब्जा करना चाह रहा है, जिसको लेकर के लगभग एक महीने से लगातार विधायक के कहने पर स्थानीय थाना पुलिस प्रशासन के द्वारा हमें प्रताड़ित करवाया जा रहा है और फर्जी मुकदमे में फंसाने की कोशिश कर रहा है। पुलिस सुबह शाम घर आकर विधायक के इशारे पर गाली गलौज करने के साथ घर जमीन छोड़ के जाने का दबाव बना रही है। जी आपको बता दें, पूरा मामला बांदा जिले के नारायणी तहसील के कालिंजा थाना क्षेत्र के सेओता गांव से सामने आया है, जहां पर रह रहे एक पीड़ित किसान परिवार ने बीजेपी पार्टी के नारायणी से मौजूदा विधायक राजकरण कबीर पर गंभीर आरोप लगाया। पीड़ित परिवार ने बताया कि विधायक उनके घर मकान में अवैध कब्जा करना चाह रहा है, जिसको लेकर के कई बार विधायक ने स्थानीय पुलिस प्रशासन की मदद से घर में आकर गाली गलौज की है और जगह खाली करने के लिए धमकी दी है। पीड़ित परिवार ने स्थानीय पुलिस पर सवालिया निशान खड़े करते हुए उच्च अधिकारियों से शिकायत की थी, कई बार गुहार लगाई, लेकिन पूरे मामले में अब तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है। आज फिर से पीड़ित परिवार ने चित्रकूट धाम पर क्षेत्र बांदा के आईजी सत्यनारायण से मामले की गुहार लगाई और अपने घर जमीन को बचाने की मांग की है। फिलहाल पीड़ित परिवार की शिकायत के बाद जनपद के जिम्मेदार अधिकारी सकते में हैं और मीडिया के सामने कुछ भी कहने से बच रहे हैं। सवाल उठता है कि आखिरकार बीजेपी सरकार जहां एक ओर सुशासन की बात करती है, वहीं नारायणी विधायक पर जमीन हथियाने का गंभीर आरोप स्थानीय परिवार क्यों लगा रहा है। अब तक जनपद के जिम्मेदार अधिकारी और पुलिस प्रशासन के अधिकारी कुछ भी पूरे मामले में बोलने से साफ तौर पर कतरा रहे हैं। देखने वाली बात ये होगी कि पीड़ित परिवार को न्याय कब तक मिलता है। वहीं उच्च अधिकारी द्वारा ये बात स्वीकार ही नहीं की जा रही कि थाना पुलिस द्वारा गरीब किसान पर विधायक के इशारे पर दबाव बनाया जा रहा है। उल्टे पीड़ित परिवार पर विधायक को जबरन फंसाने के आरोप लगा शिकायतों को अनसुना किया जा रहा है। वहीं दिन पर दिन पीड़ित परिवार पर विधायक दबाव पुलिस के माध्यम से बना रहा है। लगातार पीड़ित के ऊपर घटित होती जा रही घटनाओं से किसान परिवार डरा सहमा हुआ है। आपका? मेरा नाम सर पूनम है। कहाँ रहती हो? मैं सौता में रहती हूँ। सौता में थाना कहाँ लगता है? कालिंजा। अच्छा, क्या समस्या लेकर आ जा पाई? समस्या सर है कि विधायक ने राजकरण विधायक ने हमारा मकान खाली करा रहा था जबरदस्ती, और रात में हमको धमकी देता है और लेडीज पुलिस लाता है और इंस्पेक्टर की गाड़ी भी लेकर आता है और वहाँ धमकी दिलाता है, गालियाँ भी मिलती हैं। हमारे चारों लोगों को कह रहे हैं कि इसको चारों लोगों को 6 महीने के लिए सजा कर दो और सजा करके फिर मेरा मकान इधर बन जाए, जब तक इनको छोड़ना नहीं, अगर जो छोड़ दोगे तो विवाद हो जाएगा और नहीं मैं इनको जान में हान कर दूँ। अच्छा, कोई धमकी उमकी दे रहा है क्या? जी सर, धमकी हर बार आती है, दिन में 2-3 बार पुलिस भी आती है, लेडीज भी आती है, वहाँ जाते हैं हम कालिंजर, हमारी सुनवाई नहीं हो रही। एप्लीकेशन हमने दिया, एप्लीकेशन मैम ने लिख लिया है, इंस्पेक्टर सर ने हमको एप्लीकेशन नहीं दिया और हमको धमकी देते हैं। हम वहाँ डर के मारे नहीं गए, हमारे आदमी डर के मारे इधर उधर छुपे। कहाँ जाओगी आप लोग अगर इस तरह कर? क्या जाएंगे, कहाँ जाएंगे, आप ही हैं, क्या करें। अच्छा, अभी कहाँ आई थी आप? यहाँ आपके यहाँ आए थे हम, हमारी कोई सुनाई हो अगर हमारा कोई होगा तो हमारी सुनाई होगी, अगर हमारा नहीं है कोई तो हम क्या कर सकते हैं, मर जाएंगे या विधायक मार डालेगा या हम ही मर जाएंगे, क्या करेंगे। अपना मकान छोड़ करके बार बार के हमारे बच्चे हैं, कहाँ जाएंगे, भैंसिया गोरू हैं, कहाँ लेकर जाएंगे, चार लोग हैं, कहाँ रहेंगे बताइए। रात में आग लगा दिया, ना मालूम किसने आया है हमारे पास, हम पहचान नहीं पाए। कहाँ आग लगा दी थी? हमारे झोपड़ी बनी हुई थी, झोपड़ी में लगा दिया है और वहाँ कोई नहीं था, हम ही लोग थे, हमारे आदमी डर के हमारे इधर उधर छुपे हुए थे रात में। क्या चाहती हो आप? सर, हम ये चाहते हैं कि अपने जमीन में हम रहें, हमारा सामना वो न ले, अपने बाल बच्चे वहाँ रखें, हमारा मकान न गिरे, विधायक का पीछे है, अपना विधायक पीछे ले, हमारा सामना न ले। नाम क्या है तुम्हारा? मेरा नाम है श्री राम। जोर से बोलो। श्री राम। कहाँ के रहने वाले हो? सौता के। सौता के। क्या समस्या लेके आए हो?
ये समस्या लेके आए कि ये हमें पुलिस परेशान करती है, दबाव के कारण पुलिस भेजते हैं और हम वहाँ बोलते हैं कि घर खाली करो, वहाँ की आग मेरी झोपड़ी में लगवा दी। अब रात में आए दो गाड़ी और तो हमने बोले यहाँ घर खाली करो, ये है वो, तो हमने डर के मारे भागे। अब ये नियम देख पाए तो जब उनका मतलब है, जब उन्हीं की ज़मीन है वही लोग आए, वही लोग खाली करवाते हैं, तभी तो मान लो। किसने लगवाई थी आग? नरेनी विधायक है और राजकरण कबीर और उसके लड़के साथी संगाती सब लेकर मतलब आते हैं वो करते हैं, तो हमने डर के मारे भागे तो उसने भी आग वाग लगवा के भाग दिया। जब हल्ला मचाया हमने, कहे कर रहे हैं ये सब का बात, कहे के लिए किया? ये बोलते हैं जमीन मतलब विवादित जमीन ले रहे हैं हमेशा। किसकी जमीन है वो? कैलाश गुप्ता की है नरेनी वाले, उसने उसको बेचा, उसमें हमारा स्टे लगा था, स्टे भी चल रहा था, कमिश्नरी में कोर्ट मुकदमा चल रहा था, तो बोलता आप जमीन खरीदने के लिए मतलब स्टे नहीं है, वहाँ हम रहते हैं तो मतलब हमारे लिए स्टे है। क्या कोई धमकी हमकी मिल रही है क्या? किस तरह की धमकियाँ मिल रही हैं? ये बोलते हैं कि हम खाली करो, हमने खरीदा है, हमें चाहिए यहाँ रोड। कितने परिवार वहाँ रहते हैं जिस जमीन को खाली करा रहे हैं? मैम बस इतने सब परिवार रहते हैं जिस दिन में खाना पीना बनाते हैं। अच्छा, शिकायत की है आपने थाने आने में? जी। क्या हुआ, क्या कार्रवाई हुई? कुछ नहीं, कोई सुनवाई नहीं होती, दबाव के कारण पुलिस भी दबाव में है, अब क्या करें। आज कहाँ आए हैं? बस पुलिस निरीक्षक महानिरीक्षक के पास आए हैं। अच्छा, आईजी के पास आए हो, क्या मांग करते हो, क्या चाहते हो? ये मांग करते हैं कि हमारा जैसे रहते हैं हमारा मकान उसी तरह रहे, हमें खाली वाली नहीं करना, हमारा जो हमारा चाहिए बस हो गया, जैसे हमारा बना है। न्याय नहीं मिलेगा तो क्या करोगे? क्या इतना परिवार है तो कैसे न्याय नहीं मिलेगा तो क्या करोगे? न्याय नहीं मिलेगा तो फिर जो आगे होगा वही देखा जाएगा, फिर अब क्या है, आत्महत्या करेंगे, फिर कहीं जाएंगे, कुछ भी करेंगे, जंगल चले जाएंगे, फिर क्या खाली वाली करके, बस लास्ट सहारा हमारा वही तो है ना। इंडियन प्राइम न्यूज के लिए बांदा से संवाददाता उमेश यादव की रिपोर्ट।